हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतेंद्र। कैसे हैं आप लोग? मैं अपने यूट्यूब चैनल सतेन फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर और 8 दिसंबर को आपका यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ज्योग्राफी या जीएस में एक छोटा सा चैप्टर है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभार कभी पूछ लेते हैं। तो आज मैं उस चैप्टर को यहाँ पर आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो नोट करते रहिएगा। देखिए, सर्वप्रथम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं तो उस प्राकृतिक वनस्पति का भारत में कहाँ कहाँ विस्तार है, कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, क्या नाम है उसका, तो इस मैप में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे वनस्पति की मैं बात करूँ तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी होते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी होते हैं, ज्वारीय वन भी होते हैं आपके, और शुष्क भी वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन भी होते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये फलाना ये लकड़ी जो है किन फॉरेस्ट में शामिल की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस मैप को आप जूम करके बड़ा करके जरूर देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिएगा, यहां पर देखेंगे तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति, पहली वनस्पति मैंने आपके सामने लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वन जो होते हैं उनकी पत्तियों के गिराने के आधार पर वनों को दो भागों में बांटा जाता है, सदाबहार और पर्णपाती वन। ठीक है, मैं एक बार और बोलूंगा, वनों को उनकी पत्तियों के गिराने के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक सदाबहार और एक पर्णपाती वन। और मैं आगे बोलना बोलूंगा कि सदाबहार वन उनको कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, जबकि पर्णपाती वन वैसे वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वनों को दो भागों में बांटा गया है तो उसका आधार क्या है, सदाबहार और पर्णपात। सदाबहार के बारे में ये बोला जा रहा है किसी मौसम में या किसी ऋतु में इनके पत्ते एक साथ नहीं गिरते, जबकि पर्णपाती वन ऐसे होते हैं कि वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये एक बेसिक सी बात रही, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अब देखिएगा सदाबहार वन की विशेषता क्या है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। कहाँ पर है इसका विस्तार? मुख्य प्रदेश सह्याद्री, सह्याद्री का अर्थ होता है पश्चिमी घाट, सिलोंग पठार और अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वहां पर आप देखोगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही आपको देखने को मिलेंगे। इसको एक बार हम लोग मैप में जरूर देखेंगे। देखिएगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो, एक बार मैं साफ कर दूं, ये जो मैं करूंगा, ये जो पूरा मैंने बनाया ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और हमें पता है कि जब केरल, केरल के और थोड़े से नीचे जाएंगे तो एक भूमध्य रेखा पास होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास हमें पता है कि वर्षा का वितरण थोड़ा ज्यादा होता है और सूर्य की किरणें भी जो होती हैं इस क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा या परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई मैंने जो बोला। और ये रहा आपका सिलोंग का पठार और ये आपका अंडमान निकोबार, यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। अब एक बात ये सोचिएगा, जब हमें पता है कि मानसून आता है तो केरल में सर्वप्रथम आता है, और जब मानसून पवने चलेंगी तो सर्वप्रथम जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट का वो भाग जो सामने आ रहा है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा करेगा, यानी कि केरल हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, वो भाग जो बिल्कुल हवाओं के बिल्कुल सामने आ रहा है बरसात के, तो वहाँ पर एक बरसात ज़्यादा होगी और सूर्य की किरणें भी हैं,
और इसका जो पिछला भाग है वेस्टर्न घाट का, जो ये वाला है, यहाँ पे वर्षा का वितरण कम हो जाता है घाट की वजह से, हवाएं दूसरी साइड पूर्वी ढाल को, पूर्वी ढाल पर नहीं पहुंच पाती, जिससे यहाँ पर बरसात आपकी कम हो जाती है। ठीक है, इतनी बात रही। अब यहाँ पर आगे देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हम ये बोल रहे हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, और मैंने आपको क्षेत्र दिखाया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बरसात अधिक हो रही है, तो एक बात बताओ, बरसात जब अधिक होगी किसी क्षेत्र में, तो अगर वहाँ पर वनों की हाइट होगी वो कम नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ में जब पानी ज़्यादा गिरता होगा तो वन की जो लकड़ी जो होगी वो सॉफ्ट नहीं हो सकती, वनों की लकड़ी हार्ड होगी, और जब लकड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो उसका आर्थिक पर्पस बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में इसको सोलार के नाम से भी जानते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष शामिल किए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महागुनी, एबनुस, सिंकोना, रबड़, बांस, बेत, और हमें पता है मसाले के बगान, हमें पता है साउथ इंडिया में मसाला होता है, और रबड़ की खेती केरल में होती है, और सिनकोना भी दक्षिण भारत में पाया जाता है, और बांस तो वहीं पाया जाता है जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, और महागनी एनियोबियम, सभी के सभी एग्जाम्पल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं, जो दक्षिण भारत का वो भाग देखने को मिलेगा आपको जो सह्याद्री वाला है, जहाँ पर हवाएं सीधे आती हैं आपकी बरसात की, ठीक है, या मानसून की। इतनी बात हो गई, ये एक पोर्शन रहा है। अब हम लोग सेकेंड पर पहुँचते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सबसे पहले इसका फीचर्स आपको ध्यान में रखना है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। ध्यान से देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है पानी, और पर्णपाती का थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। सह्याद्री का पूर्वी ढलान, सह्याद्री यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये मैप है तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पश्चिमी घाट जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जो गुजरात से तमिलनाडु तक जाती है, और ये इसका पश्चिमी भाग, और ये आपका पूर्वी भाग। तो जो सह्याद्री का जो पूर्वी ढलान होता है वो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के लिए जाना जाता है, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात आपको देखने मिलेगी। देखिएगा, रेन का पैटर्न इसलिए कम हो गया है कि ढलान के वजह से, जैसे फ्रंट पे आपका 200 सेंटीमीटर हो रहा था, तो ये उसके बैक साइड पर है पूर्वी ढाल पे, तो 100 से 200 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का बहुत महत्व है, आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें कौन कौन से वन शामिल किए जाएंगे, देखो, सागौन, शीशम, आम, महुआ, चंदन, आंवला, सखुआ लकड़ी, जिसके रेल के डब्बे बनाने के काम में आती है सखुआ लकड़ी, सागौन, शीशम, महुआ, चंदन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। अब थर्ड वन हम लोग देखते हैं, अभी मैप पे भी आते हैं हम लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिएगा क्या हो गया, 70 से 100 सेंटीमीटर में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि जो तीसरा वाला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर, और आर्द्र पर्णपाती सेकेंड नंबर पर आते हैं। अब एक बार मैप पर पहुँचते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, अब ये देखो यहां पर सब लिखा हुआ है, कटीले वन कौन से हैं, शुष्क पर्णपाती कौन से हैं, आर्द्र पर्णपाती कौन से हैं। अभी मैंने डॉटेड डॉटेड जहां पे बने हुए छोटे छोटे, ये आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके शुष्क पर्णपाती वन में हैं, और जबकि इस तरीके की लाइन बनी है वो आर्द्र पर्णपाती है, जो दूसरे स्थान पर भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम होती है, जल्दी हम लोग प्रोजेक्टर पर कोशिश करेंगे कि आए, तो अभी थोड़ा सा फोन छोटे होते हैं और लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, जल्दी इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग बड़े
उस पर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और जब सही हो जाएगा और बेहतर चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ इतना हो गया। इतना हो चुका था आपका। अब देखिएगा पर्वतीय वन, पर्वतीय वन में मैंने कुछ नहीं लिखा है। जैसे हमें पता है उष्ण कटिबंधी या कर्क रेखा से जैसे जैसे हम लोग, ये जो भारत के बीच से कर्क रेखा पास करती है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर की ओर जाते हैं, तो हमें पता है कि जो गर्मी कम होती है और टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारा ठंडक बढ़ने लगती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ का टेम्परेचर। तो यहाँ पर पर्वतीय वन या शंकुधारी वन पाए जाते हैं और 1500 जैसे 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई की ओर पहुँचोगे, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को ठंडी या पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलेगी या शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मॉस लाइकेन, इस तरीके के नाम सुने होंगे और कुछ एग्जाम्पल आपने ज़रूर सामने लिख रखे हैं, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़, ओक, अल्पाइन, ये सारे के सारे शंकुधारी वनस्पति हैं जिन्हें पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवदार की लकड़ी बहुत यूज़फुल होती है आपकी, ठीक है, चीड़ की लकड़ी आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस सारे के जितना आज मैंने कलेक्ट किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और यहाँ से ये जरूर पूछते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भारत में जो सबसे ज़्यादा हैं आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का घनत्व ज़्यादा है सबसे, और फिर आर्द्र पर्णपाती का। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा, वॉच करिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा भी भला होगा, मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी और बेहतर काम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय, आपका फ्रेंड। एक बार हम लोग, मैं नमस्ते कर दूँ आप लोग, थैंक यू, ओके, बाय बाय।